पिछले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 दूसरे चरण का मतदान है कल और आज मतदान दलों की रवानगी होगी। प्रदेश की 13 सीटों सहित देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोटिंग है। देखिए, इंतजार अब राजस्थान का भी खत्म हो जाएगा क्योंकि दूसरा चरण राजस्थान के लिए कल 13 सीटें जो कि शेष रह गई थी, क्योंकि पहले 19 तारीख के चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण का कल चुनाव है, मतदान है और ऐसे में जिन 13 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाला है आज मतदान दलों की रवानगी हो जाएगी। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, प्रशिक्षण लेने के बाद अब मतदान दलों की रवानगी होगी और कल सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी ये शाम 6 बजे तक चलने वाली है। इसके पश्चात ईवीएम का संग्रहण चलेगा, उसके बाद ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में संग्रहित कर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए कल दूसरे चरण का चुनाव है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस समय जुड़ चुके हैं। विनोद, प्रदेश की 13 सीटों का इंतजार कल खत्म होना है और इसी कड़ी में आज मतदान दलों की रवानगी हो जाएगी, क्या पूरी अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रथम पहले चरण के चुनाव में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और उस दौरान जो मतदान दल रवाना हुए थे वो दो पारियों में रवाना हुए थे और आज भी देखिए जहां पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहां दो पारियों में मतदान दलों की रवानगी होगी। उसी तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, सुबह 7 से 10 बजे तक पहली पारी और सवेरे 11 से दोपहर 2 बजे तक दूसरी पारी में मतदान दल रवाना होंगे। जो दूर के इलाके हैं उनके लिए मतदान दलों की रवानगी पहले चरण में मतलब यानी सुबह 7 से 10 बजे तक होगी और जो पास के क्षेत्र हैं उनमें बाद में की जाएगी ताकि जो पहले मतदान दल रवाना हो रहे हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंच के रात भर में तैयारियां पूरी कर लें। सुबह 7 बजे से पहले देखिए 1.5 घंटे के लिए मॉक पोल रहेगा, 5:30 बजे मॉक पोल शुरू हो जाएगा, 7 बजे तक मॉक पोल की प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद मतदान कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो शाम को 6 बजे तक रहता है। सारे 13 के 13 लोकसभा क्षेत्रों से आज मतदान दलों की एक साथ रवानगी होगी और जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां से मतदान दल अपनी पर्ची दिखाते हुए जाएंगे। और देखिए जिस तरीके से प्रथम चरण में टोकन की व्यवस्था थी ताकि परेशानी नहीं आए, कल मतदान समाप्ति के तुरंत बाद सभी मतदान दल मतदान केंद्रों से रवाना होकर वहां पहुंचेंगे जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और वहां ईवीएम सुरक्षा घेरे में रखी जाएगी। तो ईवीएम जमा कराने के लिए जैसे कॉमर्स कॉलेज राजस्थान कॉलेज में बात करें जयपुर और जयपुर ग्रामीण की यहाँ टोकन की सुविधा दी गई थी ताकि जल्दी से प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके, देर रात तक लाइनें नहीं लगे। ऐसे ही 13 जो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां मतदान के बाद मशीनें जमा करानी वहां भी यही व्यवस्था की गई। तो बड़ी देखिए आदर्श आचार संहिता के भी इस बार कई नवाचार भी किए गए, तो निर्वाचन विभाग यह चाहता है कि काम जल्दी से जल्दी और सुगमता के साथ संपन्न हो ताकि कर्मचारी जो लगे हुए हैं कई दिनों से चुनाव में उनको भी परेशानी नहीं आए। तो आज मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है, 7 बजे बुलाया गया था, 7 बजे रिपोर्टिंग के बाद 10 बजे तक उनको अंतिम ट्रेनिंग है। देखिए आज जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो अंतिम ट्रेनिंग है कि मतदान किस तरीके से संपन्न कराना है, जब मत डलेगा तो ईवीएम में 7 सेकंड में जो बीप आएगी बटन दबाने के बाद वो किस तरीके से होगी और बटन दबने के बाद पर्ची गिनने से ही मतदान संपन्न माना जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको मशीन को सील करना है, चपड़ी लगानी है, तमाम चीजें करनी है, यह भी देखना है कि नियमों के अनुसार लाइन लगी भी है नहीं, विकलांगों को किस तरीके से लाइन में लगाना है। तो तमाम चीजों की बारीकी से जानकारी जो है वो 2 घंटे की ट्रेनिंग में दी जाएगी ताकि कोई शक शुभा नहीं रहे। ऐसे में 10 बजे पहली पारी रवाना होगी, 2 बजे दूसरी पारी रवाना होगी, जो सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी व्यवस्थाएं करेंगी। तो जिस तरीके से पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्रों का मतदान संपन्न हुआ, कोई छोटी बड़ी शिकायत के अलावा बड़ी कोई गंभीर घटना नहीं हुई, ऐसे ही कल भी शांतिपूर्ण तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच मतदान कार्यक्रम संपन्न कराया जाए, इसी पर जोर दिया गया। बिल्कुल विनोद, क्योंकि अब देखिए चुनावी शोर तो थम चुका है, डोर टू डोर प्रचार जारी है और इसी बीच आप जब हम टेक्निकलिटीज की बात करते हैं तो मतदान दलों में इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अब संचार करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा विनोद, बढ़ती हुई गर्मी के मौसम को देखते हुए हालांकि निर्वाचन आयोग की कोशिश हमेशा से रही है कि जो मतदान कर्मी फील्ड में है, जो ड्यूटीज पर है, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन पिछली बार पहले चरण के चुनाव में इस तरह की छुटपुट घटनाएं सामने आई थी, तो क्या इसको लेकर और कोई खास निर्देश दिए गए हैं? एक मतदान कर्मी की मौत भी हो गई थी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या रहती है जहां फर्स्ट एड किट या ऐसी चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं जो प्रथम चरण में देखने को मिली थी, लेकिन अब ताकीद किया गया है कि तमाम सुविधाओं से लैस रहेगा मतदान केंद्र अगर किसी को छोटी बड़ी भी शिकायत है। देखिए बड़ी बात यह भी है कि रिजर्व में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त रहती है, अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी है और वो अपने
आरओ को या जो पीआरओ वहां लगा हुआ है जो मॉनिटरिंग कर रहा है और मतदान दल का मुखिया भी है जो 5 कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है उसे बताए तो उसे छुट्टी देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मतदान कर्मी अपनी परेशानी बताता है और जो अधिकारी है वो कहता है कि आप बहाना बना रहे हैं, इस तरीके से परेशानियां खड़ी होती है। तो रिजर्व में बड़ी संख्या में मतदान कर्मी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए और आज इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा जो दल रवाना हो रहे हैं वो स्वस्थ हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद भी उनसे पूछा जाएगा कि आप कल मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए स्वस्थ हैं या नहीं है। बिल्कुल विनोद, और जब मतदान दल रवाना होंगे आपसे अपडेट्स तब लेते रहेंगे। अभी शुक्रिया आपका।